व्यक्ति के खाते की इंक्वायरी करेंगे आप, 8 लाख रुपया तो उस व्यक्ति ने पर डे बैंक अकाउंट में कैश जमा सरकारी कोष से ही पैसा डाला जा रहा है, ये भी सोचने की बात। नाम दिया इसमें राजीव सिंह, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सगे भाई हैं, जिनमें इतना हूँ 1 लाख रुपया बीघा, 50,000 रुपया बीघा आराम से जगह मिल जाती है। और 18 लाख रुपये में विभाग ने खरीदा। अशीष शर्मा जी ने यहाँ पर बयान दिया, वो एक सनसनी पैदा करने के लिए इनका बयान जो है सही नहीं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव है प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति के ऊपर चर्चा करने के लिए मुझे समय दिया, और जैसे कि मुझसे पहले भी नेता प्रतिपक्ष ने भी अपना वक्तव्य रखा और भी जो विधायक गण है उन्होंने भी रखा, और आदरणीय हमारे हर्षवर्धन चौहान जी ने भी यहाँ पे अपना वक्तव्य रखा कि जो विधायक हैं विपक्ष की भूमिका निभाएं और पॉजिटिव सजेशन भी दें, और अगर कोई त्रुटियां हैं तो वो भी सरकार के समक्ष रखें। मैं भी इसी कड़ी में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और चर्चा में भाग ले रहा हूँ कि कुछ मैं भी सजेशन सरकार को दे सकूं, क्योंकि माननीय चौहान जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी छोटी छोटी चीजों को बचत कर रहे हैं जिससे कि आर्थिक स्थिति जो है वो ट्रैक पे आए और पैसा जो है वो ढंग से मैनेज हो पाए। तो माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय भी यहाँ पे बैठे हैं, आपके माध्यम से मैं जरूर एक बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पिछली बार भी मैंने विधानसभा में ये प्रश्न लगाया था, लेकिन उसका मुझे जो उत्तर है वो ठीक ढंग से नहीं दिया गया था कि जितने भी हमारे आईपीएच विभाग के और पीडब्ल्यूडी विभाग के जितने भी टेंडर होते हैं और उनकी जो अर्नेस्ट मनी जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि करोड़ों रुपए में आता है, और वो पैसा जो है वो 2 महीने से लेके 6 महीने तक बैंक में पड़ा रहता है, जिसके ऊपर ना तो ठेकेदार को ब्याज मिलता है ना ही सरकार को ब्याज मिलता है। और मैंने उस समय भी ये बात रखी थी कि जो करोड़ों रुपया ये आ रहा है ये केवल और केवल जा रहा है आईसीआईसी बैंक में, और आईसीआईसी बैंक में वो उसका ब्याज खा रहे हैं। अगर यही पैसा कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में भी जाए तो शायद मैं समझता हूं कि उसका भी एनपीए जो है उसमें लाभ मिलेगा और वो जो है स्थिति जो है उसकी ठीक होगी, क्योंकि बहुत सारा ब्याज इस पे मिलता है, हजारों करोड़ रुपया जो है ये एफडीआर के रूप में, क्योंकि करोड़ों रुपए के टेंडर 100 करोड़ का 200 करोड़ का जितने भी ऑनलाइन टेंडर लगते हैं सारा का सारा पीडब्ल्यूडी और आईपीएच विभाग का पैसा जो है वो आईसीआईसी बैंक में जाता है। साथ ही आपदा में भी इस प्रदेश में जब जैसे पीछे आपदा पे भी चर्चा हुई और आपदा में भी लोगों ने दिल खोल के प्रदेश में दान दिया, 250-300 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है सरकार ने प्रस्तुत किया कि पैसा आया है और लोगों ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लोगों से मिलते रहे, चेक के साथ फोटो भी आती रही फेसबुक पे। और लेकिन कई बार ऐसा होता है अध्यक्ष महोदय कि विधायक गणों ने भी उसमें उस समय जो है अपनी जो सैलरी है वो भी डोनेट की, विधायक विपक्ष ने भी की, पक्ष वालों ने भी की, मैं भी विधायक हूं, मैंने भी उस समय मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जितना भी मेरे से वहां पे नुकसान हुआ वहां पे वो पैसा बैठा। हालांकि मैंने जब राजनीति में आया था तो संकल्प लिया है कि एक भी पैसा जो है जब तक राजनीति में हूं टीए डीए जो पैसा आता है वो जनता की सेवा में लगाते हैं, और आज भी लगाते हैं, वो भी क्योंकि इस सरकार ने खाते भी खंगाले हैं सब कुछ किया है, तो वो उनके समक्ष है, सभा पटल पे भी रख सकता हूं। लेकिन कई बार दुख इस बात का होता है अध्यक्ष महोदय कि जब ये लोगों से पैसा लिया जाता है तो कई बार दिमाग में ये चीज आती है कि ये पैसा सही जगह यूटिलाइज हो रहा है कि कहीं अपनों को चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए या कोई भ्रष्टाचार तो नहीं इसमें किया जा रहा है। मैंने एक प्रश्न लगाया था और ये माननीय सदन की संपत्ति है और जल शक्ति विभाग का ये प्रश्न था, अभी 4 तारीख का ये प्रश्न लगा जिसमें, और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी यहां पे बैठे हैं, मैं समझता हूं कि जितनी भी वाटर सप्लाई स्कीम्स यहां पे बनती हैं प्रदेश में, जब हम लिफ्टिंग करते हैं चाहे वो रिवर बेड से करते हैं दरिया से करते हैं या कहीं परकुलेशन बेल बनाते हैं या गांव में टैंक बनाते हैं, तो मैं समझता हूं वहां पे पूर्वजों से ही हमारा रहा है कि अगर कोई बॉडी है लोग दान कर देते हैं जगह को। लेकिन बड़े आश्चर्यजनक तथ्य जो है मेरे समक्ष आई और ये सदन की संपत्ति है, मैंने उसमें पूछा था कि प्रागपुर डिवीजन में जो है क्या कोई भूमि जो है वो अधिकृत की गई है, तो उसमें मुझे जो है और किस किस ये भूमि जो है
इसका भुगतान किस व्यक्ति को किया गया और कितनी राशि जो है वो इसमें दी गई। और जो मेरे सामने जो उत्तर आया है उसमें ये आया कि गत दो वर्षों में जल शक्ति विभाग ने एक बीघा से कम जो भूमि है जो कि दरिया में ली गई, और दरिया में मैं समझता हूं लाख रुपया बीघा, 50,000 रुपया बीघा आराम से जगह मिल जाती है, और उस भूमि को 18 लाख रुपए में विभाग ने खरीदा। और मैं समझता हूं कि मुझे यह भी बताया जाए कि ऐसे कितने परकुलेशन बेल हैं जो प्राइवेट लैंड में बने हैं, कितने ऐसे टैंक हैं जो कि लोगों की भूमि पे बने हैं जिनको पैसा दिया गया और इतनी तेज गति से दिया गया। और जो आंकड़ा आया उसके 18 लाख रुपया एक बीघा से कम भूमि का दिया गया, जिसमें राजीव सिंह सुपुत्र श्री रसील सिंह 13,26,316 रुपए दिए गए, कुमारी निकिता सिंह सुपुत्री राजीव सिंह 11,842 रुपए दिए गए, कुमारी नैन्सी सिंह सपुत्री राजीव सिंह 11,842 रुपए दिए गए, और श्री सुखविंदर सिंह सुपुत्र श्री रसील सिंह जो माननीय हमारे सदन के नेता हैं उनको 4,50,000 रुपया जो है सरकारी कोष से डाला गया। ये किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन है? ये क्या क्या दोहरा चरित्र आप जनता के समक्ष रखना चाहते हैं कि हम दानवीर भी हैं और ये जो है एक तरफ आप पैसा सरकार से अपने ही खातों में लिए जा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी भी यहां पे बैठे हैं, क्या ये आपके ध्यान में ये चीजें हैं या सरकार का पैसा जो लोगों का पैसा है वो इसी तरह मित्रों में तो लुटाया जा रहा है लेकिन खुद भी इसी तरह से लिया जा रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूं। इसके अलावा नदौन विधानसभा क्षेत्र में माननीय ये भी मंत्री जी का डिपार्टमेंट है एचआरटीसी विभाग, जिसमें लगभग 1,62,000 रुपए की जमीन जो है वो 6,72,00,000। एक मिनट आशीष जी, समय हो गया 7 बज गए, आप कितना समय लेंगे और? मैं 5 मिनट लूंगा सर, 10 मिनट दे दीजिए, 5-10 मिनट जितना बोला जाएगा उतना बोल लूंगा सर। अगर मान्य सदन की अनुमति हो तो 7:10 तक समय एक्सटेंड किया जाता है। व्यवस्था परिवर्तन का हाल ऐसा है, आप कंटिन्यू करें कि ये देखिए अध्यक्ष महोदय कि एचआरटीसी डिपो द्वारा एचआरटीसी डिपो के लिए जगह ली जाती है 6,72,00,000 रुपए की, और वो जगह जो है 1,62,000 की खरीदी गई पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट में, और उस समय जो वहां पे तहसीलदार थे वो आज मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं यहां पे अनिल मलकोटिया जी, वही जमीन अब 6,72,00,000 में एचआरटीसी विभाग को दी जा रही है। ये किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन है? क्या ये जो पैसा जनता का है इसके ऊपर ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं ईमानदारी और पारदर्शिता की, मैं समझता हूं कि इसके बारे में भी संज्ञान लिया जाए, क्योंकि चुनाव हुए और चुनावों में भी मेरे बड़े भाई यहां पे विधायक भवानी सिंह जी ने कहा कि ये यज्ञ है और आहुति डालनी होती है। मैं समझता हूं यज्ञ जो है यज्ञ शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, और शुद्धिकरण पहले अपना अंतर्करण शुद्ध हो तब यज्ञ सफल माना जाता है, उसमें कोई राक्षस विघ्न नहीं डालते हैं, और नहीं तब अब नहीं डालेंगे ना, अब उस समय डाल रहे थे, अब जब यज्ञ शुद्धिकरण से किया जाएगा तब कोई नहीं बीच में विघ्न डालता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय इस तरह से अगर पैसे की बर्बादी कुप्रबंधन जो किया जा रहा है सरकार द्वारा, ये बड़े सोचने का विषय है कि एक टैक्स पेयर का पैसा जो है, माननीय मंत्री जी ने हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा कि हम माइनिंग पॉलिसी लाए, मैंने यहां पे सदन में भी पिछले दफा कहा था कि मेरे खुद क्रेशर हैं, वो अलग बात है कि सरकार के दबाव की वजह से बंद है, दुख इस बात का नहीं है बंद है, वो बंद रहे हैं 2 साल और बंद रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुख इस बात का होता है कि 200-300 लोग हैं जो बेकार अभी जो है जिनका रोजी रोटी भी बंद की गई है, वो कोई उनका भी प्रबंध हो जाएगा, लेकिन पॉलिसी लाए हैं आप, बहुत अच्छी पॉलिसी लाए हैं, मैंने पढ़ी पॉलिसी भी पढ़ी, लेकिन उसी दौरान क्या ये भी आंकड़े मैं आपको बताता हूं, कि आपदा के समय अफसर भी आप ही की सरकार ने ढूंढा, आपदा के समय 22 तारीख को आपकी कैबिनेट हुई 22 अगस्त को,
और उसके बाद एक फरमान जारी किया गया कि कांगड़ा हमीरपुर जिले में या ब्यास की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उन पे जो है सारे के सारे जो है रिवर बेड की माइनिंग और क्रशर जो है वो बंद कर दिए जाएं, 4 महीने के लिए बंद कर दिए गए। मेरे भी बंद हुए, मैंने उस समय भी मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष बात रखी कि ये गलत डिसीजन है, कृपा करके इसको वापस लीजिए, क्योंकि आपदा के समय लोगों के डंगे गिरे, मकान गिरे, उस समय लोगों को जरूरत थी ताकि वो जो 10,000 का टिप्पर है वो 20,000 में ना बिकता। लेकिन क्यों बिका? क्योंकि मोनोपोलाइज करना शुरू किया गया। केवल और केवल ये 23 तारीख को जब नोटिफिकेशन निकली तो आप ही के विभाग के सिर्फ और सिर्फ कांगड़ा और हमीरपुर में दो, केवल एक ही क्रेशर को एम फॉर्म जारी किए गए 2 दिन बाद, और उसने मनमर्जी के रेट कांगड़ा मीरपुर में बेचे। 10,000 की गाड़ी 30,000 में बिकना शुरू हुई। जिस बेचारे ने, जिसको मनरेगा के तहत व्यक्ति को डंगे के लिए 45,000 रुपया मिलता था, वो रेता और बजरी में खत्म हो गया उसका। क्या किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन है? और तो और अध्यक्ष महोदय, यह भी सोचने की बात है कि उस व्यक्ति का मैं नाम नहीं यहां पर रखूंगा, उस दौरान जैसे हमारे खातों की इंक्वायरियां की गई, परिवार के खातों की इंक्वायरियां की गई, उस व्यक्ति के खाते की इंक्वायरी करेंगे आप, 8 लाख रुपया तो उस व्यक्ति ने पर डे बैंक अकाउंट में कैश जमा करवाया है। उस व्यक्ति ने घर में कितना रखा होगा और सरकार को कितना दिया होगा, यह भी सोचने वाली बात है। किस तरह का भ्रष्टाचार इस प्रदेश में पनप रहा है, यह भी सोचने का विषय है। मेरी सिर्फ आपसे यही विनती है कि अगर ये वित्तीय स्थिति ठीक करनी है तो पहले अपने आप को, माननीय सदन के नेता को अपने आप में भी सुधार करना चाहिए और इस प्रदेश के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं यही सदन के बीच में रखना चाहूंगा। आपने समय दिया, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो सरकार का, ये जो लोगों का मेहनत की कमाई है और टैक्स पेयर की कमाई है, ये सरकार आने वाले समय में बड़े सोच समझ के इसको यूज करे, ढंग से मैनेज करे, ताकि इस तरह की स्थिति जो है इस प्रदेश में फिर से ना आए, कि अपने घर वालों को सशक्त करने के लिए, अपने चहेतों को सशक्त करने के लिए, अपने भाई को सशक्त करने के लिए सरकारी कोष से ही पैसा डाला जा रहा है, ये भी सोचने की बात है। और ये जो मैंने आपको नाम दिया इसमें राजीव सिंह, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सगे भाई हैं जिनमें 13 लाख रुपया डाला गया है। वो आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय श्री जग सिंह नेगी, ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। पिछले कल जब नियम 130 के अंतर्गत चर्चा हो रही थी, उस पर माननीय विधायक आशीष शर्मा जी ने यहाँ पर बयान दिया। ये बयान काफी जो है सनसनीखेज और इसको निकाल दिया, तथ्यों से परे थे। उसको दैट पार्ट हैज बीन रिमूव्ड। नहीं सर, उसमें इन्होंने ये कहा कि जो रजिस्ट्री हुई उस समय जिस अधिकारी का नाम लिया गया वो माननीय मुख्यमंत्री के OSD है, ये तथ्य से परे है। हमने सारा राजस्व कागजात खंगाले, वो अधिकारी उस समय रजिस्ट्री के समय मौजूद नहीं था। वो रजिस्ट्री किसी जो है वहाँ नायब तहसीलदार के द्वारा हुआ, और उस समय जो 2015 में जो रजिस्ट्री हुई उस समय जो सर्कल रेट था उस रेट के मुताबिक जो है स्टैम्प ड्यूटी ली गई, बल्कि रजिस्ट्री हुई 1.5-2 लाख रुपये में, सर्कल रेट जो है बहुत ज़्यादा थी तो 70 लाख के करीब उससे जो है स्टैम्प ड्यूटी लिया गया। और बाद में जो ये लैंड एक्वायर किया गया, ये जो है ये नेशनल हाईवे पर है और सर्कल रेट का जो डबल है, जो मतलब नियमों के तहत दिया जा सकता है मैक्सिमम उतना ही दिया, उससे ऊपर एक पैसा नहीं दिया गया। उसमें ना तो माननीय मुख्यमंत्री का, ना ही इनके ऑफिस से किसी अधिकारी का कोई लेना देना नहीं था। तो माननीय सदस्य ने जो है तथ्यों को जो है गलत तरीके से यहाँ पेश किया गया, और जो बिल्कुल जो है तथ्यों के मुताबिक नहीं है, वो एक सनसनी पैदा करने के लिए इनका बयान जो है सही नहीं था। I have already given a ruling on this कि ये कल जो चर्चा है वो वर्तमान वित्तीय स्थिति के बारे में है, एंड ऑल दोज references which doesn't pertains to the discussions will not form a part of the record and will be removed from the record. The references which have been made by the honorable member Sri Ashish Sharma are not related to the discussions and this cannot